स्वागत है आपका इस फ्रेश एपिसोड में। तो क्या होती है TIMSAT और TIMSAT एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होती है, फीस कितनी लगती है, इन तमाम सवालों का जवाब देने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एक लार्जेस्ट मैरीटाइम एजुकेशन सेंटर है जो कि ऑफर करती है मैरीन इंजीनियरिंग नॉटिकल टेक्नोलॉजी डिग्री प्रोग्राम। अगर बात करूं इनको ये मान्यता जो ये ग्रेजुएट प्रोवाइड करते हैं बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग में या बीटेक नॉटिकल टेक्नोलॉजी में, इनको ये मिली है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिट्स पिलानी की तरफ से। आप सबको पता होगा डीमेड यूनिवर्सिटी है, इंडिया प्री एमिनेंट सेंटर है एजुकेशन हब में। वहीं आपको बता दूं TIMSAT एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है जो कि कंडक्ट की जाती है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की तरफ से। आपको ये फिल करना पड़ेगा इनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की tolani.edu पे अवेलेबल रहती है। ये ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगी, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होती है, उसके बाद आपकी एडमिशन होती है। फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ मई के बीच में ये हो जाती है, लेकिन कोविड में ये सब कुछ बदल चुका है, ये नॉर्मल में होती थी। तो उसके बाद आपको बता दूं सेंटर्स के बारे में, तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, रांची, जयपुर, ये कुछ सेंटर्स थी जहां पे ये पेपर होती थी। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट यहां पे की जाएगी मार्क्स PCM के आधार पे, ऑनलाइन टेस्ट के आधार पे, इंटरव्यू के आधार पे, मतलब तीन स्टेज प्रोसेस होती है आपकी यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। वहीं आपकी मेडिकल प्रोसेस भी होती है। वहीं आपको बता दे अब TIMSAT के एग्जाम के बारे में, तो कंडक्टिंग बॉडी तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है जैसा कि हमने कहा, और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में इसको आप रखो। वहीं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर दूं तो ये नॉर्मल डेट्स हैं, कोविड में ये सब बदल चुका है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। कोर्सेज की बात करूं आपको क्या क्या मिलेंगे इस एंट्रेंस को देने के बाद, तो बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग मिल जाएगा, बीटेक नॉटिकल टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 10+2 आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए, मिनिमम एग्रीगेट 60% होनी चाहिए PCM में। लेकिन 60% हमने कहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप 16% अपना माइंड में रखो, इसे 70 से 75 तक आप मान के रखो। वहीं आपको अगर मिनिमम स्कोर की बताऊं तो 50% होनी चाहिए और इंग्लिश 10th 12th में आपके होने चाहिए, पर्टिकुलरली आपके होनी चाहिए। वहीं हमने जो मिनिमम स्कोर बताया 50%, इसे भी आप माइंड में रखो 60% के अबव। वहीं आप यदि अनमैरिड हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो TIMSAT के लिए। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 2 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ, यहाँ पे जो कोर्स की फीस पेड होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है, जनरली फरवरी टू अगस्त में। अगर आपको हम बता दें एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होती है, तो देखो तो आपको फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग बीटेक नॉटिकल इंजीनियरिंग तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पे, और वो आप कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके tolani.edu पे। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से देख लेनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से। स्टेप वाइज आपको हम बताते हैं क्या क्या करना है। पहला स्टेप में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। दूसरी स्टेप में आपको पे करनी है 1000 रुपीज, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन, किसी भी माध्यम से। थर्ड स्टेप में आपको प्रिंट करनी पड़ेगी वो सारा डिटेल्स जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए हो उसके बाद जो जनरेट हुई है, और आपको ट्रांजेक्शन रिसिप्ट भी रखनी है अपने पास। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको प्रिंटेड कॉपी, वो सारा डिटेल्स जो आप सबमिट कर दिए हो एप्लीकेशन फॉर्म जो जनरेट हुई है उसका, 2 आइडेंटिकल रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपके होना चाहिए जिसमें आपके नाम और फॉर्म नंबर लिखे होना चाहिए, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, मार्कशीट 10th 12th की। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट डिले हो गई है, नहीं है, तो आप बोनाफाइड ले सकते हो स्कूल कॉलेज जहां से भी आप ये पेपर दिए हो यानी कि एग्जाम दिए हो। वहीं आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कि आपको अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एज देखेंगे और कहां आपकी जन्म हुई है उसकी भी पुष्टि करेंगे ये। अगर बात करो 12th मार्कशीट आपको इंटरनेट से जो आप डाउनलोड करते हो वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में भाग लिए हो क्लास 8 के बाद और उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी इसमें अटैच कर सकते हो। उसके बाद आप जो 1000 रुपीज का इन्हें ट्रांजेक्शन करे हैं उनकी रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर देते हैं आपको सेंटर्स कहाँ कहाँ पे ये पेपर ली जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद, रांची, ये सब सेंटर पे ये पेपर होती थी, लेकिन अब ये ऑनलाइन होने वाली है क्योंकि कोविड चल रही है। उसके बाद आपको पेपर पैटर्न की बता दूं तो 2 आवर की होती है, MCQ टाइप में होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, ये कुछ सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको बता दें नेगेटिव मार्किंग फिजिक्स और मैथ्स में ही सिर्फ होगी, बाकी के सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसे होती है, तो
देखो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, अगर आपको एक अच्छा मर्चेंट मैरिनर बनना है तो आपकी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन जरूर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन का मतलब ये होती है कि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स होनी चाहिए। और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, टेम्परमेंटल स्टेबिलिटी फॉर सी कैरियर अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड फॉर साइंटिफिक कंसेप्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ट्वेल्थ में आपकी अच्छी मार्क्स होने चाहिए, पीसीएम में अच्छी मार्क्स होनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम जो ये करते हैं उनमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और साथ ही आपकी सेटिस्फैक्टरी मेडिकल टेस्ट भी होनी चाहिए, तभी आपकी यहाँ पे एडमिशन हो सकती है। अगर बात करूँ थोड़ी एडमिट कार्ड या हॉल टिकट की, तो इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके ये जरूर चेक कर लें कि आपकी सारी डिटेल सही है कि नहीं। नहीं सही है तो आप कंसर्न कर सकते हो अथॉरिटी को। और जैसा कि आपको पता है एग्जाम के दिन आपको ये एडमिट कार्ड कैरी करनी है, अगर आप नहीं कैरी करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रुक जाएगी। वहीं आपको रिजल्ट्स की बात कर दूं तो DIMSAT की रिजल्ट ऑनलाइन आपको मिल जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब ये रिलीज होगी, और पर्सनल इंटरव्यू की डेट्स उसके बाद आ जाएगी। कई बार पर्सनल इंटरव्यू पहले भी हो जाती है और ज्यादातर ये एंट्रेंस एग्जाम के बाद होती है। वहीं आपको रैंक कार्ड अपनी वेबसाइट से जरूर डाउनलोड करके रख लेनी है। तो ये कुछ डिटेल थी DIMSAT के बारे में। बहुत सारे बच्चे ने हमें कमेंट करा था इस पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो हमने बना दिया। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही ऑन एन स्पेशल नोट, हमने एक कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये तोलानी की है। अगर आप कुछ इनसे हेल्प लेना चाहो तो आप इनसे भी हेल्प ले सकते हो। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।